सत श्री अकाल जी। पिछले एक घंटे से ये बम चल रहे हैं। अगर मैं दिवाली वाले दिन पोस्ट डालूँ ना तो बहुत लोगों को मिर्ची लगती है। जैसे कल ना मैंने वो गणपति जी की एक फोटो डाली है ना, तो मैंने देखा कि बहुत लोगों के नीचे गलत कमेंट आए। तो किसी ने ये नहीं सोचा कि तुम लोग एक दिन तो पूजा करते हो और बाकी हर टाइम है ना, जो उनकी जैसे सवारी है चूहा है ना, तो हाथी के साथ जो उनकी एक वो की गई है, उनको तुम इतना ज्यादा टॉर्चर करते हो। अब यही पोस्ट मैं अगर दिवाली वाले दिन डालूंगी ना तो कईयों के मिर्चे लगेंगी जी, आप हमारे त्योहारों में क्यों डाल रहे हो। ये बिना त्योहारों के भी यही हाल होता है, देख लो, खुद ही देख लो, लाइव चल रहे है। होली पे पोस्ट डालो तो इनकी ऐसी तैसी हो जाती है। मतलब मुझे ये नहीं समझ आती, तुम एक इंसान हो या फिर तुम हिंदू मुसलमान सिख हो। मैं यार मैं किसी भी धर्म से बिलोंग करती हूँ, मैंने कभी गुणगान किया है, मैं अपने आप को ना एक इंसान मानती हूँ। सबसे पहले एक इंसान में ना इंसानियत होनी बहुत जरूरी है, धर्म बाद में आता है। साला कोई पोस्ट डाल दो, कुछ कर दो, कल भी लेक्चर दे रहे हैं, दिवाली पे तो तुम डालती नहीं पोस्ट। अभी दिवाली तो दो दिन बाद, दो महीने बाद आनी है, मैंने अभी से शुरू किया हुआ है, देख लो, मैं तो हर बार ही डालती हूँ। कई आ जाएंगे बड़े अंधभक्त। अभी तो दिवाली भी नहीं है, अभी भी सेम वही हाल चल रहा है और पिछले दो घंटे से चल रहे हैं ये बम। और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं फिर उनको प्रॉब्लम होती है, हराम ज्यादे कई बकवास अभी भी कर रहे हैं। मुझे दिक्कत नहीं है भाई, तुम अपने पैसे फूक रहे हो, तुम चला रहे हो, चलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पोल्यूशन हो रहा नहीं हो रहा। और मैं वो लोगों में से नहीं हूं कि मेरे को दिवाली वाले दिन ही पोल्यूशन याद आए, होली वाले दिन ही मेरे को याद आए वाटर वेस्टेज हो रही है। अभी मैं छत पे ही खड़ी थी, वहां किसी की टैंकी भरी हुई थी, पानी उसमें चली जा रहा है, तो वो भी वेस्टेज होती है ना। तो मैं कई बार लोगों को आवाज मारती हूँ, भाई साहब तुम्हारी टैंकी भर गई है, मोटर बंद कर लो। मैं वो उन लोगों में से नहीं हूँ जो एक दिन मैं लेक्चर दूं, जब जब मेरा दिल करता तब तक मैं लेक्चर देती हूँ कि ये जो तुम्हारी सोच है ना, मतलब 12 महीने ये सोच रखा करो, खाली त्योहारों पे मत रखा करो। और मेरे को जो लोग भाषण देते हैं ना, मैं अब उनके रिप्लाई नहीं करती कमेंटों में जाके। कल भी लगे थे कई भाषण देने पढ़े लिखे, ये आप फॉलोअर्स गेन करना चाह रही हो आप त्योहारों के बारे में बोल के। मेरे को नहीं गेन करने भाई, अगर फॉलोअर गेन करने होते ना तो बड़े आज के टाइम लोगों ने हथकंडे बनाए ने। सारी रात चलने हैं, वहां कल भी चल रहे थे ना, मैंने कहा चलने आने तो हमारा क्या जा रहा है, हर रोज बम चलते हैं हमारे इधर। तो इधर हमारे सारे बच्चे हैं, ये भी सारी ना ग्रीन जाली से कवर किया हुआ है। तेरे फोन में लाइट है, ये सारा ग्रीन जाली से कवर किया हुआ है, इधर भी सारे बच्चे हैं, ये जाली है सारी। मेनू नहीं फर्क पैंदा लोगों नाल, मैं जो भी लाइव होनी है मैं कुछ बोलनी है ना, मेरे जेडे लोग मेनू प्यार करते हैं ना, वह भी मेरे बारे मतलब मेरे वांगू सोचते ने कई लोग, तो कई बार उन्होंने भावनावां मेरी भावनावां सेम ने, तो वह चीज समझ सकते हैं। जेडे अंधभक्त ने ना, यह मेरे तो दूर रहा करो, तो मेरे पेज नू ब्लॉक कर दो। अभी एकदम इतने यार, जिस जगह पे ये बम चल रहे हैं ना, अभी हम वहीं से निकल के आए थे, बेचारे डॉग इधर गलियों में भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। मनाओ खुशियां, परमात्मा मनाएगा खुशियां चंगी तरह। पता क्या होता है यार, देखो हमने भी कभी बम चलाए होंगे, सब चीजें की होंगी, जब बंदे को धीरे धीरे अकल आती है ना तब उसको सुधर जाना चाहिए। जब तुम्हारे घर में छोटा बच्चा पैदा होगा, तुम्हारा बूढ़ा बाप मंजी में पड़ा होगा ना, जिसकी हार्ट बीट चली जाएगी ऊपर, पड़े पड़े उसको बम्बों की आवाज से उसकी मौत आ जाएगी ना, तब पता चलेगा तुम्हें कि इस आवाज से कितना फर्क पड़ता है। चूहे बर्ड्स किन्ने जीव ने, हर जीव को फर्क पड़ता है भाई। इन्होंने प्यो की केड़ी दिवाली है, इन लोगों के लिए कोई रूल नहीं है। यही अगर तुम्हारे घर में कोई फंक्शन है ना खुशी का, और तुम क्या बोलते हैं वो स्पीकर लगा के अपना नाच रहे हो ना, 11 बजे तक अलाउड है, 11:05 पे तुम्हारे घर के बाहर ना पुलिस खड़ी होगी कि आप ना स्पीकर नहीं चला सकते, आप गाने नहीं बजा सकते, पोल्यूशन नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, अलाउड नहीं है। और जैसे ही आप उनको एक शराब की बोतल और 500 रुपए दोगे, फिर बोलेंगे हाँ 2 घंटे चला लो। भाई हम उस देश में रहते हैं, यहाँ रूल राल कोई नहीं है, जिदे पल्ले दाने ओदे कमले भी सियाने, जिदे को 4 शिरडा पैसे ने ना उसके लिए सब रूल खत्म है। अवेलो
और मेरे मोहल्ले में ना 10 से 15 पुलिस वालों के घर हैं, हवलदार की, अपना ASI की, SHO की, आर्मी वाले, क्या विजिलेंस वाले, क्या इधर कई लोग रेंदे ने। हां जी खलो जो, ये अपनी भाषा च गाला कड्डन डे ने, मां पहन दिया ना। हां जी खलो पुत्र, अबे हजे फिर वजने ने, मर जो वे। और सीरियसली मैं फिर कह रही हूँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो खाली दिवाली होली पे डालूं। अगर आप लेक्चर देते हो ना, मेरा पेज कभी 10 मिनट निकाल के ना चेक कर लिया करो। कल मैंने गणपति जी की फोटो डाली, मेरे को फील हुआ यार, एक साइड तो तुम पूजा कर रहे हो, मैं अच्छी बात है ना, दूसरी साइड वो जो ग्लू ट्रैप्स होते हैं, तुम चूहों को इतनी गंदी मौत देते हो। एक दिन मैं एक दुकान पे गई, वहां पर इतने सारे ग्लू ट्रैप वो पड़े हुए थे, तो मैंने उनको बोला, मैं कहा भैया अगर मैं सारे खरीद लूं आप मत बेचो, है ना। तो फिर मैंने कहा यार मैं सारे खरीद लूंगी, ये तो कल को और ले आएगा, इसको तो होगा कि एनिमल लवर है, इनकी सनकी पड़ी है, आते हैं इकट्ठा सामान खरीद के ले जाते हैं, उनकी तो अच्छी निकल पड़ी ना। जो एक कंपनी बना रही है उसको बनाना ही नहीं चाहिए, हद है लोगों की यार। जेड़े जीव परमात्मा दे नाल जुड़े ने हना, उन्हां दी तुसी बेकदरी करदे हो, गंदी मौत देंदे हो, दूसरी साइड तुम इतनी ज्यादा। और कल पता लोग क्या कमेंट कर रहे, आपको पता है वो हाथी को बम मुसलमानों ने खिलाया था, हिंदुओं ने नहीं खिलाया था, है तो ते वो इंसान ही भाई। जब भी कुछ गलत आता है वहां धर्म आ जाता है, हिंदू ने किया, मुसलमान ने किया, सिख ने किया, फलाने ने किया, हो तो तुम इंसान भाई। चलो जी बजालो ने बंब लोकी, चंगी गल है, हर बंदा अपनी ड्यूटी करने आया, असि अपनी करने हैं। और ये चीजें मैं दिखाने से किसी को नीच फील नहीं करा रही, मैं जस्ट आपके सामने ये इसलिए डालती हूँ कि देखो मेरे आसपास सबको पता है कि मेरे घर बीमार बच्चे होते हैं, चलो मैं तो जैसे तैसे मैनेज कर लूंगी, क्योंकि मेरे साथ एक दो बार हुआ था, क्योंकि बच्चे जैसे कई बार काफी बीमार होते हैं ना, तो जैसे बम चलते हैं तो एकदम ना उनको एक तो शॉक लगता है। मेरी एक दो बच्चों की डेथ हुई थी, तो वो चीज मेरे को हमेशा, और मैं जैसे जैसे फील करती हूँ, जिन घरों में छोटे बच्चे पैदा हुए हैं वो भी एकदम डर जाते हैं, और जो बुजुर्ग होते हैं वो भी, उनकी भी हार्ट बीट ऊपर चली जाती है। काश जेडे बंब बजाते ने ना उन्होंने घर कोई बुढ़ा बैठा होए तो डिग जे कुर्सी तो, जिदी हार्ट बीट ज्यादा तेज होए तो उन्हें पता लगे फिर। चलो जी बाय बाय।